everyone, welcome back to my another study blog today. So this is 24th of January और अभी बजने वाले सुबह के 8 और अभी हम सो के उठ चुके हैं. So अभी थोड़ा फ्रेश अप होके उसके बाद I will start my day. So let's get started. और लास्ट के 5-6 दिनों में आपकी तरफ से जो सबसे ज्यादा कमेंट आए थे वो ये थे कि दी आप SSC के लिए बुक बता दो. किसी को मैथ के लिए बुक चाहिए था, किसी को इंग्लिश के लिए. सो हियर आई एम रिकमेंडिंग टू बुक्स फ्रॉम मुशबाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के लिए और एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफ इंग्लिश, और दूसरी इंग्लिश की है. अगर सबसे पहले मैथ की बात कर ले तो हमें देखने को मिल जाता है डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर्स, किस चैप्टर्स का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर से, सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. और इस बुक में सबसे अच्छा ये है कि आपको रिविजन के लिए अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज और रूल्स जो है वो एक साथ कंपाइल करके स्टार्टिंग में दिए हुए हैं. चैप्टर शुरू होने से पहले माइंड मैप के थ्रू और डायग्राम के थ्रू अच्छे से चीजों को समझाया गया. एंड देन बात करें अगर प्रैक्टिस की तो प्रैक्टिस के लिए बेसिक टू एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन दिया गया है एंड साथ में आंसर की और फिर डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है. एंड सेम चीज रिपीट होती है इंग्लिश में भी. यहाँ पे सिलेबस और मार्क्स वाइज टॉपिक्स की डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं एंड अगेन इसमें भी माइंड मैप की हेल्प से पूरे चैप्टर्स को एक साथ कंपाइल करके जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स और कीवर्ड्स है वो हाईलाइट किए गए हैं. प्रैक्टिस के लिए बेसिक टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मिल जाते हैं विद आंसर कीज और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड देन उसके बाद फिर पूरे वोकैब सेक्शन को भी ऐड किया गया. सो होप दिस बुक इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. एक बार जरूर से जाके चेकआउट करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई डे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर आई एम मेकिंग माई टू डू लिस्ट और यहाँ पे गलती से 24 जनवरी की जगह 22 जनवरी हमने लिख दिया था. सो आज का दिन स्टार्ट करते सबसे पहले मैथ की क्लास के साथ. तो यहाँ पे मुझे मैथ की क्लास अटेंड करने हैं एंड देन उसके बाद उसके नोट्स भी तैयार करने हैं. तो अभी इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर आगे की चीजें अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट कंप्लीट की जाएगी. मैथ की प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है एंड नाउ आई एम हियर टू प्रैक्टिस टाइपिंग. एंड जेन्युइनली बताओ अगर तो मैथ के बाद अगर किसी चीज से डर लगता है इस एग्जाम के सिलेबस में तो वो है टाइपिंग. देन फिर टाइपिंग कंप्लीट करने के बाद थोड़े से हमने फ्रूट्स खाए और उसके बाद आई एम हियर टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑफ एवरेज. यहाँ पे बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं एवरेज के क्वेश्चन मैथ. तो यहाँ पे मैथ की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट अभी ग्रामर करेंगे. तो ग्रामर में आज वर्ब चैप्टर को हमने रखा था. तो यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस ओसवाल की बुक से कर रहे हैं एंड नेक्स्ट अभी इसे कंप्लीट करने के बाद देन आई विल रिवाइज वर्ड्स एंड उसके बाद फिर आगे जीएस का रिविजन करेंगे. अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने किचन में और आज मुझे बनानी है मशरूम मटर. तो कभी कभी खाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन जाता है मेरे से, तो ऐसा लगता है कि कुकिंग चैनल ही स्टार्ट कर लूँ. हाँ ये बात अलग है कि वो रेसिपी हमने YouTube से ही देखी थी. सो ऑल थैंक्स टू YouTube. अभी खाना खाने के बाद वापस आ गए हैं और अभी सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाएंगे एंड उसके बाद आगे जो भी चीजें बची हुई आज के टू डू लिस्ट से उसको कंप्लीट करेंगे. सो मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग के और रीजनिंग में आज जो चैप्टर है वो है सिलोगिज्म. इसे कंप्लीट करने के बाद रिवाइज करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन एंड उसके साथ फिर आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे मेरा आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गया है एंड बुक को एक बार जरूर से जाके चेकआउट कर लेना. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उसकी. दैट इज इट फॉर टुडे. वी विल मीट इन अनदर ब्लॉग. टिल देन बाय.